नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 5 फरवरी से पहला टेस्ट मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है। मगर दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेले गए उस टेस्ट मुकाबले के बारे में, जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, गेंदबाजों की धुनाई करना स्टार्ट कर दिया था, चौके छक्के बहुत ज्यादा लगाए थे विराट कोहली ने। तो दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के जबरदस्त फैन हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 17 नवंबर 2016 से 21 नवंबर 2016 के बीच में सेकंड टेस्ट मुकाबला खेला गया विशाखापट्टनम के ग्राउंड पे, जहां पर सबसे पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। मगर मुरली विजय, केएल राहुल जल्दी आउट होकर चलते बढ़े। मुरली विजय मात्र 20 रन बना पाए, पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों, भारतीय टीम की ओपनिंग ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई, मात्र 20 रन पे आउट होकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों मैदान में तूफान आया चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली का, जहां पर चेतेश्वर पुजारा ने मात्र 204 बॉलों का सामना करते हुए 12 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 119 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। उसके बाद दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा तो तारीफ करनी होगी कप्तान विराट कोहली की, जहां पर कप्तान विराट कोहली ने उस समय पर भारतीय टीम को आंखें संभाला, जहां पर दोस्तों विकेट पे विकेट गिरते जा रहे थे। भारतीय टीम के एक छोर पर खड़े होकर धुरंधर की तरह भारतीय टीम बल्ला पकड़े खड़े हुए थे। विराट कोहली ने 267 बॉलों का सामना करते हुए 18 चौके की मदद से 167 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। और दोस्तों, अंत में आकर रविचंद्रन अश्विन ने 95 गेंदों का सामना करते हुए 58 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। इस तरीके से देखते हुए भारतीय टीम ने 455 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद दोस्तों, इंग्लैंड की टीम उतरी मैदान में। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 255 रन बना पाई, और उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 204 रन बनाए, और उसके बाद दोस्तों दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम मात्र 158 रन ही बना पाई, जहां पर सबसे ज्यादा विकेट आर अश्विन ने 8 विकेट चटका दिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के। और आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 246 रन से अपने नाम करने के बाद इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि पहले टेस्ट मुकाबले को कौन सी टीम अपने नाम करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि पहले टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम अपने नाम करे और आप विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हो, तो आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।